स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेवन चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। वह जानवर जो पानी में रहता है, वाटर मीन्स होता है पानी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मेनी एनिमल लिव इन वाटर, बहुत सारे जानवर पानी में रहते हैं। सम लिव इन लेक, रिवर एंड पॉन्ड्स। लेक मीन्स क्या होता है? झील। रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। और पॉन्ड्स मीन्स क्या होता है? तालाब। यानी कुछ जानवर जो है, कुछ जो है झीलों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं और तालाबों में रहते हैं। ठीक है, अदर लिव इन द साल्टी वाटर ऑफ द सी। साल्टी वाटर मीन्स क्या होता है? खारा पानी, यानी नमकीन वाला पानी। ऑफ द सी यानी समुद्र के। कुछ जो है समुद्र के खारे पानी में रहते हैं। अदर्स लिव, अन्य जो हैं खारे पानी के यानी समुद्र के खारे पानी में रहते हैं। ठीक है, फिश लिव इन रिवर। फिश लिव इन रिवर, फिश मीन्स क्या होता है? मछली। मछली नदी में रहती है। मछली कहाँ रहती है? नदी में रहती है। और कहाँ रहती है? पॉन्ड्स, तालाब में, लेक, झील में एंड सी, और समुद्र में। यानी मछली नदी, तालाब, झील और समुद्रों में रहती है। सम ईट प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर। ग्रोइंग इन वाटर, प्लांट्स ग्रोइंग जो जल में उगने वाले पौधों को खाती हैं। सम ईट प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर, कुछ जल में उगने यानी पानी में उगने वाले पौधों को खाती हैं। और सम इट स्मॉलर फिश, और कुछ जो है छोटी मछलियों को खाती हैं। ठीक है, फिश हैव फिन टू हेल्प देम स्विम। यानी फिन मीन्स क्या होता है? फिन्स मीन्स पंख। फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम, मछलियों के पास पंखे होती हैं जिससे वह तैरती हैं, जो उनके तैरने में सहायक होती हैं। मछलियों के पास क्या होता है? फिन होता है। ये फिन दिख रहा है ना, ये जिससे वो तैरती हैं, जिसके सहारे वह तैर लेती हैं। सम पीपुल कीप फिश इन एक्वेरियम, कुछ लोग जो है एक्वेरियम मीन्स होता है, देखिए एक्वेरियम दिखा रहा है, ये जलकुंड होता है जिसको जलकुंड कहते हैं या मछली का घर कहते हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं, जो घरों में अपने शौक से जलकुंड रखते हैं जिसमें कुछ मछलियाँ रखते हैं, तो वही कह रहे हैं। सम पीपुल कीप फिश इन एक्वेरियम, कुछ जो लोग हैं जो हैं मछलियों को एक्वेरियम में, जलकुंड में रखते हैं। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। देखिए फिश के फैन वगैरह दिखा रहे हैं, फिन है। फिन मीन्स क्या होता है? ये पंख, जिससे वह जैसे पंख चिड़िया में होता है, उड़ने में सहायक होती हैं, उसी तरह इनके तैरने में सहायक होती हैं। ठीक है, अब आइए इनको देखते हैं। वेल्स, वेल, वेल मीन्स क्या होता है? ये देखिए समुद्र में रहने वाला एक जीव है, जानवर है। वेल लिव इन द सी, वेल्स जो है लिव इन द सी। वेल मीन्स होता है वेल, एक प्रकार की मछली आकार की होती है, लेकिन वो मछली नहीं होती है, एक प्रकार की जानवर होते हैं, जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले, तो वो समुद्र में रहता है। वेल लिव इन द सी, सी मीन्स समुद्र। वेल जो है समुद्र में रहता है। बट दे आर नॉट फिश, लेकिन वह मछली नहीं है। दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल द एनिमल्स। दे आर द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा। वे जो है सभी जानवरों में बड़े होते हैं। लार्जेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स, ऑफ ऑल द एनिमल्स मीन्स क्या था? सभी जानवरों में। वे सभी जानवरों में सबसे बड़े होते हैं। डॉल्फिन्स टू आर नॉट फिश, डॉल्फिन भी मछली नहीं है। डॉल्फिन टू आर नॉट फिश, डॉल्फिन भी मछली नहीं है। दे आर वेरी क्लीवर एंड फ्रेंडली, क्लीवर मीन्स क्या होता है? चतुर, चलाक। फ्रेंडली मीन्स क्या होता है? जो मित्रवत व्यवहार करते हैं, मिलनसार जिसको कहते हैं। दे आर क्लीवर एंड फ्रेंडली, वे बहुत ही वेरी क्लीवर, बहुत चालाक और मिलनसार होती हैं। कौन? डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन दिखा रहा है, ये क्या होती हैं? बहुत चालाक और फ्रेंडली, यानी
मित्रवत रहती हैं, मिलनसार रहती हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, वेल्स एंड डॉल्फिन ईट फिश एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। वेल्स एंड डॉल्फिन ईट फिश, मछलियों को खाती हैं और अन्य छोटे जानवरों को, एंड अदर स्मॉल एनिमल्स, और अन्य छोटे जानवरों को खाती। कौन? वेल और डॉल्फिन। ठीक है, देखिए ये वेल है, वेल है ये आपका, और ये डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ से देखते हैं। अब देखिए, फ्रॉग्स एंड टोड्स कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग और टोड, देखिए फ्रॉग, ये फ्रॉग है और ये टोड है, दोनों एक ही आकार में होती हैं, लेकिन टोड थोड़ा सा चौड़ा होता है और फ्रॉग थोड़ा पतला होता है। तो कह रहा है कि फ्रॉग एंड टोड्स कैन लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। फ्रॉग और टोड जो है पानी में और जल में दोनों में रह सकते हैं। फ्रॉग एंड टोड्स कैन लिव वाटर एंड ऑन लैंड, यानी मेढक और टोड भूमि पर और जल में दोनों में भी रह सकते हैं, भूमि और जल दोनों पर रह सकते हैं। ठीक है, देयर हिंड लेग यानी बैक लेग, पीछे वाला पैर, आर वेरी लॉन्ग टू हेल्प देम जम्प। उनके पीछे का पैर जो है बहुत लंबा होता है। द हिंड लेग यानी पीछे वाला पैर, देयर उनके जो पीछे वाला बैक लेग होता है वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा होता है, जो उनके कूदने में सहायक होते हैं, जो उनको क्या करने में सहायक होते हैं, कूदने में सहायक होते हैं। ठीक है, द टू टॉय ऑफ द हिंड लेग आर ज्वाइनड बाई स्किन। टॉय मीन्स पैर का उंगली, यानी पैरों की जो पीछे वाले पैर की उंगलियां होती हैं वह त्वचा से जुड़ी होती हैं। ज्वाइंट बाई स्किन, वह त्वचा से जुड़ी रहती हैं, यानी पीछे के पैर की उंगलियां त्वचा से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, दिस हेल्प देम स्विम, यह उनको तैरने में सहायता करती है। कौन? पीछे वाला पैर, जो जो पैर जुड़ा रहता है त्वचा से, वह उसे तैरने में सहायता करती है। दे इट इंसेक्ट, वह कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती। ठीक है, आगे देखिए, अब ये आ गया घड़ियाल का। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आर लाइक बिग लिजर्ड। क्रोकोडाइल्स मीन्स क्या होता है? मगरमच्छ। एलिगेटर्स मीन्स क्या होता है? घड़ियाल। एलिगेटर्स मीन्स क्या होता है? घड़ियाल। और लिजर्ड मीन्स क्या होता है? छिपकली। तो कह रहा है कि क्रोकोडाइल और एलिजर्ड यानी मगरमच्छ और घड़ियाल बड़ी छिपकली की तरह दिखते हैं या होते हैं। दे स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन वाटर, वो अपना अधिकतर समय जो है जल में यानी पानी में बिताते हैं। स्पेंट मीन्स क्या होता है? खर्च करते हैं या बिताते हैं, यानी अपना अधिक समय जो है जल में व्यतीत करते हैं। दे ईट फिश बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, वह मछली चिड़िया और अन्य जानवरों को खाते हैं। वे क्या खाते हैं? दे ईट फिश यानी क्रोकोडाइल एलिजर्ड ईट फिश बिग बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। क्रोकोडाइल जो है मछली खाती है, चिड़ियों को और अन्य जानवरों को भी खाती है। ठीक है, अब देखिए नीचे जो है, अरेंज द लेटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये अरेंज करना है। सी वाटर इन, अब यहाँ पर क्या होगा? सॉल्टी हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्टी होगा, यहाँ फिश है फिन हो जाएगा। पीपुल कीप फिश इन क्या है? एक्वेरियम, एक्वेरियम। वेल्स आर द लार्जेस्ट एनिमल। डॉल्फिन इट क्या खाती है? डॉल्फिन फिश। और फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, तो यहाँ वाटर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अरेंज कर देना है जो वर्ड, जो जो वर्ड अक्षर हैं, जो वॉवल्स हैं, उसको जो है आपको सही से अरेंज करके लिखना है। ठीक है, और देखिए क्रोकोडाइल आर लाइक क्या हो जाए? लिजर्ड यानी छिपकली, यहाँ लिजर्ड होगा। ठीक है, ये लिजर्ड हो जाएगा।
और ये वाटर हो जाएगा, और ये जो है वेल्स आर द लार्जेस्ट हो जाएगा, ये जो है एक्वेरियम हो जाएगा, और ये फिन हो जाएगा, और ये जो है साल्टी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसको अरेंज कर लेंगे, बुक को कंप्लीट करेंगे और सारे वर्ड मीनिंग को लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, उसके अर्थ को लिखेंगे और उसको लर्न भी करके आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।